हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जिसमें 3 एपिसोड है। अब इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है कन्वर्सेशन विद द किलर जॉन वेन गेसी टेप्स। देखो यार, जो डॉक्यूमेंट्री लवर्स है वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लेकिन साथ साथ उनको ये भी करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरे वीडियोस देख पाओगे, और रमजान की वजह से मैं बहुत कम वीडियोस आ रहा हूँ। खैर, बात करें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री की, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब ये होता है जहां पर ह्यूमन अपने ही अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होता है, यानी कि मैन फीमेल को देख के अट्रैक्ट होता है। होमोसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन अपने सेम सेक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल मैन दूसरे मैन को देखकर अट्रैक्ट होता है, उसे होमोसेक्सुअल बोलते हैं। और सीधे शब्दों में बोलो तो गे लेस्बियन भी बोल सकते हो यार। उसके अलावा बाइसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर सेक्स को सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है। हालांकि सेक्स को एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह फर्क नहीं पड़ता कि सामने मैन है या वुमेन है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए। फिर हमारे इंडिया में 70s और 80s में गे और लेस्बियन, इन लोगों के बारे में क्या लोगों के थॉट्स से मुझे नहीं पता, लेकिन आज की तारीख में ये लीगल हो चुका है। लेकिन 70s में शिकागो, जो कि हमारे इंडिया से उस वक्त भी बहुत ज्यादा आगे था बहुत सारी चीजों में, लेकिन वहां पर भी ये दिक्कत थी कि अगर फैमिली को पता चल जाता था कि उनका बेटा गे है, किसी भी वजह से पता चल जाता था, तो वो लोग अपने ही बेटे से दूरियां बना लेते थे। तब ऐसे में लड़का जिसका नाम है रॉबर्ट, जो कि सिर्फ 15 साल का, वो मिसिंग होने के बाद एक ऐसे इंसान पे शक जाता है पुलिस वालों का, जो कि एक बिजनेसमैन था, एक फैमिली मैन था, पॉलिटिकल इन्वॉल्व मैन था, और क्लाउन यानी कि जोकर भी था, लेकिन ये कुछ इवल किस्म का जोकर था, जॉन वेन गेसी। इस पर शक जाता है। फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, तो कैसे खुद जॉन अपने क्राइम्स के बारे में बताता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस शो में आपको जॉन की खुद वॉइस सुनने को मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि 70s में जब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू काफी चीजें रिकॉर्ड की गई थी, और ये पहली बार है कि पूरी दुनिया वाले इस रिकॉर्ड टेप को सुनेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, जो कि अपने आप में बहुत ही अनबिलीवेबल बात है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन बताया, जिस तरह से विक्टिम्स बताया, जिस तरीके से जॉन वेन क्राइम्स करता था, वो क्यों करता था, उसके पीछे के जो रीजंस बताए, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और आपको डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो ये डेफिनेटली आपको देखना ही चाहिए। डबिंग बहुत अच्छी तरह से की है, और पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, ये घर पे बैठ के नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ न्यूडिटी सीन्स। इसमें न्यूडिटी सीन्स है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेन मुद्दा है इस डॉक्यूमेंट्री का, तो वो सारे सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट्री को रेटिंग दूंगा 8/10। डेफिनेटली नेटफ्लिक्स ने फिर से मुझे निराश नहीं किया, मजा आ गया। और फाइनली थैंक्स बोलूंगा इसके पीछे की पूरी टीम को, जिसने इतनी गजब की डॉक्यूमेंट्री पेश की हमारे सामने। तो यार, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।